पूरे विश्व में फैली कोरोना वायरस के चलते देश या विदेश क्या हर तरफ लॉकडाउन है। ऐसे में बड़ी संख्या में मजदूर का पलायन लगातार पूरे देश में देखने को मिल रहा है। ऐसा एक मामला छिंदवाड़ा जिले के परासिया क्षेत्र में देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में हैदराबाद से हरियाणा की ओर जा रहे ट्रक में पुरुष महिला सहित बच्चे देखने को मिले, जिन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा रोककर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पूरी तरह जांच करवाकर सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई गई, साथ ही सैनिटाइजर मास्क और दवाएं भी उन्हें दी गई। एक और जहां कोरोना वायरस के डर से सारा विश्व डर के साए में जी रहा है, वहीं सोचने वाली बात यह है कि हैदराबाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पार हो जाना एक साथ ट्रक में 40 लोगों का, यह एक बड़ा सवाल है। वहीं परासिया पुलिस के द्वारा सभी की जांच कराई गई, भोजन व्यवस्था बनाई गई और उन्हें हरियाणा की ओर भेज दिया गया। सिटी एन भारत से शेख फरीद की रिपोर्ट, परासिया। अभी न्यूटन चौकी के पास में एक ट्रक मिला है, जिसमें हैदराबाद से हरियाणा की ओर कुछ फैमिलीज थी, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग थे, ये जा रहे थे, जिसे चौकी प्रभारी ने अपनी जांच के दौरान वहां पर पाया है। इनकी संख्या लगभग 20 से 25 है और इन सभी को यहां पे परासिया में जो ब्लॉक लेवल का हॉस्पिटल है उसमें लाया गया है। इनकी प्रिलिमिनरी जांच की जा रही है। इनमें से किसी पेशेंट को प्रारंभिक रूप से कोई खांसी जुकाम के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी सावधानी के रूप में सभी पेशेंट्स की जांच कर उनको आवश्यक औषधि प्रदान कर और साथ साथ में वर्तमान का खाना और शाम के लिए भी खाने का पैकेट प्रदान करके, अगर सभी लोग ठीक निकलते हैं तो इनको यहाँ से रवाना किया जाएगा और अगर किसी में इस प्रकार के खांसी जुकाम के लक्षण होंगे तो उसको ठीक होने के उपरांत ही यहाँ से रवाना किया। जिले को लॉकडाउन होने के बाद भी गाड़ियाँ अंदर जा रही है? लॉकडाउन का मतलब केवल ये नहीं है, कर्फ्यू और लॉकडाउन में यहाँ हमें थोड़ा अंतर करना होगा। लॉकडाउन में व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है और कम से कम 13 से अधिक सर्विसेज हैं जो कि अलाउ हैं और यहाँ भी ये जो लोग हैं वो सामान्यतः अपने घरों की ओर जा रहे हैं, भले ही उनको पास दे करके जारी किया जा रहा हो, कई सारे ऑफिस से भी शासन की इच्छा के अनुरूप पास दिए जा रहे हैं और यहाँ किसी प्रकार का अपराध नहीं है अगर ये लोग घर जा रहे हैं। मुख्य बात यह है कि ये सुरक्षा के मानदंडों का प्रयोग करें। सारे जो इसमें बैठे हुए हैं सभी ने अपने मुँह पर मास्क लगाया हुआ है, कोई बीमार नहीं है और फिर भी हम इसकी जांच करा रहे हैं और